से कपड़ा वपड़ा काट दूंगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ यहाँ पे कुल्फ़ी। एंड कुल्फ़ी के बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें आधा कप करीब पानी डाला है। एंड उसमें मैं दूध ऐड करूँगी, 1 लीटर दूध। एंड इसके लिए बहुत सिंपल है। किसी ने मुझे बोला था आप कुछ मीठा क्यों नहीं बना रही हो, मैं एक्चुअली वेट कर रही थी, मेरे पास कुछ सामान नहीं था, जैसे इलायची ना मैंने ऑर्डर किया था, मेरे पास आया नहीं था, तो इसी के लिए मैं वेट कर रही थी। तो फिलहाल अभी आ गया, तो चलिए बनाते हैं आज कुल्फ़ी। तो थोड़ा सा पानी लेके कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 लीटर करीब दूध ले लिया है। तो इसको, इस दूध को ना आपको अच्छे से बॉयल करना है एंड इसको आधे से कम करना है, आपको इतना गाढ़ा बनाना है। आप चाहे तो थोड़ा सा जैसे लो फ्लेम में होगा ना आप वैसे बनाइए, उसका कलर थोड़ा सा आएगा, क्योंकि लो फ्लेम में अगर हम ज़्यादा देर तक उबालते हैं तो दूध का कलर थोड़ा सा चेंज होता है। या फिर आप अगर मीडियम फ्लेम में रख के भी इसको चलाते चलाते ऐसे उबालेंगे ना तो भी ठीक है, अब ये आपके ऊपर है। बस यही है कि दूध को आप नीचे की तरफ से जलना नहीं चाहिए या फिर लगना नहीं चाहिए। तो एक कढ़ाई में आप ऐसे बड़े बाउल में ही ये करना, या फिर कोई भगोना हो तो उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़े बड़े जगह में आप बनाना इसको। तो इसको ऐसे मीडियम फ्लेम में मैं इसको बना रही हूँ, बीच बीच में इसको मैं चला रही हूँ। एंड मैंने इसके लिए जो भी सामान चाहिए होगा वो रेडी करके मैंने रख दिया है। बहुत कम सामान आपको चाहिए, वो सारा सामान आप अगर अभी भी देखोगे आपके किचन में आपको ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पर 1-2 उबाल आ गया है एंड इसको मैं दोबारा से ऐसे चला रही हूँ। एंड गाइस, यहाँ पर जो साइड में जैसे दूध लग रहा है ना, उसको आपको ऐसे निकालते जाना है। बीच में थोड़ी देर के लिए मैं माही के पास चली गई महेंद्र को दिखा के, एंड वो उनको उतना नहीं पता था। तो देखिए साइड में कढ़ाई में लग गया है दूध, उसको मैं बहुत मुश्किल से निकाल रही थी, पर आपको ये भी अच्छे तरीके से क्लीन करके निकालना है, क्योंकि उसी से बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है आपको। तो यहाँ पे मैंने काजू जो है ना उसको एक ग्राइंडर मिक्सर जार में ले लिया है, थोड़ा सा गर्म दूध उसमें मैंने ऐड करके रख दिया है, उसका पेस्ट बनाऊंगी मैं। तो इसको साइड में रखा हुआ है, तो दूध जैसे उबाल के आधा नहीं हुआ है, बट थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी अभी ना कम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इलायची को पाउडर कर दिया है, करीब 1 चम्मच इलायची पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने पिस्ता एंड यहाँ पे बादाम मैंने बारीक मैंने काट लिया है, चॉप कर लिया है, ज़्यादा बड़ा बड़ा आपको नहीं काटना है, जैसे छोटे छोटे करते हैं, जैसे होता है कुल्फी में हम लोग मार्केट में खाते हैं उसी साइज में मैंने इसको कट कर लिया है। उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। एक कटोरी देख लीजिएगा, आपको मैंने यहाँ पे आधा बाउल यहाँ पे चीनी ऐड किया है। मीठा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितना मीठा चाहिए, बहुत ज़्यादा मीठा भी मत करिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। फिर इसको आपको दोबारा से ऐसे चलाते जाना है एंड साइड से बहुत ही अच्छे से इसको निकालिएगा। तो यहाँ पे जैसे काजू का मैंने पेस्ट बना लिया था, उसको भी मैं अच्छे तरीके से ऐड कर दूंगी। उसको जार में जो भी था थोड़ा सा मैंने उसमें पानी ऐड करके मैंने इसमें ऐड कर लिया है। तो कंप्लीट जो भी काजू पेस्ट था वो भी ऐड हो गया है। अभी आपको जो काम है ना, बस सारे इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर लिया है, इसको अच्छी तरीके से पका के आपको इतना करना है। एंड ये ठंडा होने के बाद अभी इतना और थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, तो जब ये एकदम से रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है ना, अभी कुल्फी एकदम से रेडी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो रूम टेम्परेचर में जब तक ये आएगा हमें वेट करना है। उसके बाद ऐसे आइसक्रीम मोल्ड या फिर कुल्फी मोल्ड अगर आपके पास है तो आप इस तरीके से आप लोग इसमें ऐड करके इसमें डाल के ना फ्रीजर में आपको रख देना है। अगर मैं ओवरनाइट रखने वाली हूँ, मतलब आज रात बना के रखूँगी, कल सुबह देखती हूँ उसको निकाल के कैसे बनता है। तो मेरे पास ये कुल्फी वाला मोल्ड है तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आप कोई कटोरी में या फिर छोटे छोटे ग्लास जो आते हैं उसमें ले लीजिए एंड उसके ऊपर कोई भी एल्युमिनियम फॉयल डाल के ढक के आप रख दीजिए। एंड अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉयल भी नहीं है, अगर आपके पास कोई स्टिक भी नहीं है, जैसे आइसक्रीम स्टिक बोलते हैं ना, अगर आप वो भी नहीं है आपके पास अभी तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसे ग्लास में आप इसको आधा ऐसे इतना थोड़ा सा गैप करके ऐसे डाल दीजिए। एक कोई भी बाउल लीजिए, कोई भी प्लेट लीजिए, इसके ऊपर आप इसको ढक दीजिए, ढक के आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया है, ओवरनाइट रखूँगी एंड फिर हम लोग देखेंगे कि हमारी कुल्फ़ी कैसे बन के रेडी होती है। कितना ने कुल्फ़ी बनाया हुआ है घर में, नहीं बनाया तो ट्रस्ट मी गाइस ट्राई करना, मैंने पहली बार ट्राई किया एंड इतना टेस्टी बना, माही स्पेशली माही को बहुत मज़ा आया। तो देखिए ये वाला ग्लास में मैं अंदर रख लूँगी, इसके ऊपर मैंने ये बाउल ढक दिया है। इतना तो हर एक के घर में होगा, वो कर सकते हैं। हैप्पी फादर्स डे। थैंक यू गुड। आज कौन है बाबा?
यहाँ पे लगवाया है हमने काम पे। क्या काम कर रहे हो आप? जूस जूस बना रहे चलो काम करो। अच्छा हेलो, चलो देखते हैं कुल्फी का क्या हाल हुआ है। माही यहाँ पे अपनी हटी नहीं रही है, ये देखो इसको कुल्फी खाना है। एक सेकंड, इतना लाइटिंग क्यों? उसको खानी है कुल्फी, वो हट नहीं रही है। रुक, चलो चलो मैं लेके आती, चलो। और एक ग्लास वाला भी है उधर। तो ये रहा कुल्फी, ये देते हैं सर आपको। जो देखो आज है संडे, संडे के दिन भी इनको ऑफिस के साथ काम ही करने होते हैं। ये वाला फ्रिज में रो, देखे दोची ये वाला फ्रिज से अभी निकाला है। आप चाहते थोड़ी देर बाहर रख के कर सकते हो, या फिर ऐसे पानी में 2 मिनट रख लो। 2 मिनट जरूरत नहीं है, थोड़ी देर रख के इसको निकाल लेना ना। ये देखो माई को, देखो चेयर लेके आ रही है, कैसे उसको दिखाई नहीं दे रहा है करके। कुल्फी खानी है। तो यहाँ पे ना ऐसे थोड़ी देर आप इसको पानी में रख दीजिए, पानी में रखे, या फिर ऐसे ही आप अगर ऐसे थोड़े से हाथ में इसको मारेंगे ना तो भी ये आ जाएगा। कितना अच्छा, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं था, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इसे, इतना अच्छे से निकलेगा ये कुल्फी, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। एंड मैं बहुत खुश हो गई, माँ ही बहुत खुश हो गई। एंड गाइस टेस्ट इसका एकदम एकदम आपको मार्केट वाला ही लगता है। कितनों ने ट्राई किया है कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आपको ज़रूर एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे मोल्ड है ना तो ठीक, नहीं भी है तो जैसे मैंने ग्लास में आपको बताया, या फिर छोटे बाउल में रख के स्पून पे ही भले ही खा लो आप लोग। नॉर्मल कुल्फी वाला आइसक्रीम भी तो मिलता ही है ना स्पून में, हम लोग खाते हैं उस तरह से भी बनाना आप लोग, लेकिन ट्राई जरूर करना। कितना इजी लगा देखा ना, इतना कम इंग्रेडिएंट्स आपके घर में इतने, तो अभी भी अगर आप बनाने चलोगे ना वीडियो देखने के बाद तो भी आप बना लोगे आधे घंटे के अंदर ही। एंड 3-4 घंटे भी अगर आप फ्रिज में रखोगे दिन में तो भी हो जाएगा, नहीं तो ओवरनाइट रखो, रात में बनाओ सुबह खाओ। खाने माय टेक वन ओके ठीक। लेके पानी आज भीतर है। मैं टेस्ट करूं बाबा केमती अच्छी। फेस देखो जो नहीं मते। माई बताओ कैसा है, बताओ। मैं हूँ देख, टेस्ट कर। माई कैसा है? यम्मी है। यम्मी है? कैसा है? यम्मी है? चलो पैसा निकाल दो ना। बाबा हैप्पी फादर्स डे। ओजर ओजर हैप्पी फादर्स डे का हैप्पी फादर्स डे। तू सबने बोला है, मोना अपने पापा को बोल देना हैप्पी फादर्स डे, अंकल को बोल देना हैप्पी फादर्स डे। तो यहाँ पे पापा से बात हो गई थी काफ़ी सुबह, एंड उसके बाद मॉर्निंग से ही हो गया था हमारा, 9 बजे से पहले ही बात कर लिया था। एंड उसके बाद यहाँ पे पूरा दिन हमने ऐसे इधर उधर के काम में बातें करके बैठ के कुछ करना नहीं था, खाना नहीं बना सकते थे, माँ ही बोर हो रही थी इतना ज़्यादा, बोलो मत। तो उसी के साथ मैं ऐसे ही निकल गया था, फिर थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पर लाइव भी आई थी मैं। उसके बाद बहुत पूरा दिन मैंने कुछ उसके बाद रिकॉर्ड ही नहीं किया था। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइम जब हुआ मैंने माही को नहलाया, मैं खुद नहाई क्योंकि माही वेट ही नहीं कर रही थी। मैं बोल रही थी जाओ थोड़ा, मैं झाड़ू पोछा सब कर लेती हूँ, तो अभी प्लीज़ मुझे जज मत करना कि नहा के करना था या फिर बिना नहाए करना था। मैंने नहा लिया, फिर उसको नहा लिया था, फिर झाड़ू पोछा सब कर लिया, फिर उसके बाद खाना बनाना। खाने में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाई क्योंकि एक तो लेट हो रहा था, भूख सबको लग रहा था इतना ज़्यादा, तो चावल मैंने बना लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे ना लेमन राइस जैसे बना लूँगी इसको। तो यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद जीरा, थोड़ा सा सरसों मैंने ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 2 सूखी लाल। एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हींग मैं ऐड करूंगी, एंड ये बहुत ही क्विक बन जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने बादाम चना जो होता है वो, एंड थोड़ा सा चना दाल मैंने ऐड किया। उसके बाद 1 चम्मच मैंने छोटे चम्मच में यहाँ पे हल्दी एंड थोड़ा सा नमक इसी तेल में मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तमिल में जो बनाते हैं ना यहाँ पे लेमन राइस, एक पाउडर कुछ ऐड करते हैं ये लोग, आता है मैंने शॉप में देखा था, तो मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा स्पाइसी लगता है, माही नहीं खाती है। लेकिन इस तरह से अगर मैं नींबू यूज़ करके ऐसे बनाती हूँ ना, नींबू को ऐसे निचोड़ के इसमें चावल में, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैं लेमन राइस बनाती हूँ। तो चावल मैंने ऐड कर दिया है, एंड उसको भी अभी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने एक जो नींबू था वो मैंने अच्छे से स्क्वीच करके इसके ऊपर ऐड कर लिया है। आपको ज़्यादा लग रहा होगा,
ज़्यादा नहीं था, अच्छा ही था, बहुत टेस्टी बना था एंड टेस्टी लगता है। ये लेमन राइस कितनों का अच्छा लगता है एंड इसके साथ आलू भुजिया होता ना तो भी बहुत टेस्टी लगता है। एंड यही था हमारा आज का सिंपल सा लंच, लंच करके सबको खिला के फिर मैं आप लोगों के साथ बात करती हूँ। तो अभी खाना वाना हम लोगों ने सब कुछ खा लिया है एंड मैं थोड़ी तैयार हो गई क्योंकि मैं बहुत महेंद्र बोला था चेंज करो तुम इतनी, क्योंकि बहुत थक गई थी मैं, तो थोड़ा तैयार होके बैठी हुआ। नहीं तो बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आप बहुत थकी थकी सी लगते हो ब्लॉग में। एक्चुअली मैं ऐसे ही आ जाती हूँ काम करके बात करने के लिए, तो थोड़ी सी रेडी हो गई आई हूँ बात करने के लिए। तो फादर्स डे जैसे कि है, मैं अभी तो जा नहीं सकते, कुछ नहीं सकते, मैंने अभी तो कहीं पर पोस्ट नहीं किया है, इंस्टाग्राम पर पोस्ट नहीं किया है, मैंने यूट्यूब पर भी कुछ भी पोस्ट नहीं किया है, कोई भी फोटो वोटो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं ना मुझे पता नहीं यार, मुझे ना अभी भी पापा का नाम आता है ना तो मुझे बड़ा रोना आ जाता है, पता नहीं क्यों अभी मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ पापा को लेके। एंड क्योंकि आज फादर्स डे है, तो चलो आप अपने पापा के बारे में अपनी कुछ भी एक बात होगा मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको मेरी मैंने क्या सीखा है मेरे लाइफ में, क्या एक बात हुई है मैं आपके साथ जरूर शेयर करती हूँ वो बात। तो जब भी मैं एंड मेरा एक भाई, आप लोगों को पता होगा, तो मैंने जब मैं हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, मैंने बहुत सारे मेरे से फ्रेंड्स को देखा है जो लोग गर्ल बेबी होते थे ना, उन लोगों को थोड़ा अलग प्रेफरेंस दिया जाता था। एंड उस टाइम की बात करूँ, अब की नहीं, मेरे जो जो भी फ्रेंड्स थे हम लोग डिस्कस करते थे, उन लोगों को भी पता होता था, तो वो लोग भी बोलते थे उनके घर में कैसे डिफरेंस होता था गर्ल बेबी बॉय बेबी, पर हमारे घर में भी होता था गर्ल बेबी बॉय बेबी पर डिफरेंस, लेकिन वो ज्यादा प्रेफरेंस मुझे मिलता था मेरे पापा की तरफ से कि नहीं मेरी बेटी पहले, मेरी बेटी पहले एंड मेरा बेटा बाद में, भले ही वो मजाक में करते हो लेकिन हमेशा वो प्रेफरेंस मुझे थोड़ा सा मिला हुआ है। तो मेरा भाई हमेशा बोलते है तेरे लिए फर्स्ट होता है सब कुछ। हाँ तो वो एक बात है। एंड कभी भी ना जब भी मैंने अपना पढ़ाई किया, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मोना आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहते हो हमेशा, आपने आप कैसे ऐसे डिसीजन लेते हो, क्या करते हो क्या नहीं करते हो, बहुत सारी चीजें कॉन्फिडेंट कैसे आप रहते हो क्या नहीं, बहुत सारी चीजें आप लोग पूछते हो इंस्टाग्राम पे भी पूछते हो। तो एक बात इसके लिए ना कि मेरे पापा, इसके लिए मम्मी भी तो है लेकिन मेरे पापा भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उनका है, तो बोलते ना कि मेरे पापा ना ज्यादा कुछ नहीं बोलते कि ज्यादा इतना ज्यादा नहीं बोलते, इतना ज्यादा नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसे छोटी छोटी बातें बोलते कि ठीक है तुम करो, तुमको क्या करना है बोलो, तुम करो मैं हूं, कुछ होगा बाद में मैं देखता हूं, तुम पहले करो, तुमको यही चीज करना है ना तुम करो जाओ, पहले एक्सपीरियंस तो करो वो चीज का क्या आता है क्या नहीं आता है, पहले तुम एक्सपीरियंस करके देखो तुमको कैसा लग रहा है, सक्सेस होती हो सक्सेस नहीं होते हो। तो गाइस वीडियो कॉल में जब बात कर रही थी वो वाला छोटा सा क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड करूंगी, मैं उतना ज्यादा अच्छे से बात नहीं हो पाया पापा के साथ क्योंकि वीडियो को थोड़ा सा मतलब नेटवर्क भी स्लो था एंड पापा भी आपको बहुत लो लगेंगे वहां पे, उनकी तबीयत भी खराब थी तो हम लोग बहुत डर गए थे क्योंकि वो जाते हैं ना कोरोना ये सब में काम करने के लिए अभी, तो उनका थोड़ा सा जॉब है वहां पे, अभी हमको भी डर लग गया था कि कुछ हो ना, नॉर्मली फीवर हो, बट चूट सायरम नॉर्मल फीवर ही निकला था, सब ठीक है। मम्मी भी बहुत मिस करती है, आप लोग बोलते हो कि आंटी के साथ बात करो, मम्मी सबकी कमेंट्स पढ़ती है, आप सबकी बोलती कि इतना प्यार करते मेरे बारे में, इतना पूछते सारे। एंड एक और बात गाइस मैं बोलूंगी कि देखो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए ना बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, तो फादर्स डे मदर्स डे चलो वो तो आता ही एक दिन, लेकिन पूरे साल सेम फादर्स डे मदर्स डे ही होता है। मैंने हमारे जो जनरेशन के बच्चे हैं ना, मैंने देखा है बहुतों का क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स अलग रहते हैं हम लोग अलग अलग रहता है, क्योंकि आजकल ऐसा होता है जॉब वॉब के लिए हम बाहर आ जाते हैं सब, एंड हम अपने टाइम जब होता है ना हमारा तब हम लोग उनके साथ बात करते हैं, पर थोड़ा सा कोशिश करना कि वो जब आपको कॉल करे या फिर जो वो बोले के बात करो या फिर जब कॉल करते हैं, बोलते नहीं है भले ही, लेकिन जब वो बोर होते हैं या फिर मिस करते हैं तब भी आपको वो कॉल करते हैं, तो थोड़ा अच्छे से बात कर लिया करो। ये मेरे साथ भी होता ही है, मैं भी बोल देती हूँ हाँ हाँ पापा मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ आपको, या फिर हाँ मम्मी मैं थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, लेकिन फिर 5 मिनट बाद ना मुझे खुद ही को बुरा लगता है यार, ठीक है ना मैं ये काम बाद में कर लेती हूँ, बात कर लेती हूँ उनसे, भले ही वो लोग बोले कि चलो चलो ठीक है, लेकिन उनको कहीं ना फील होता है कि यार मैंने फोन किया बच्चे को फिर उसने ये बोला, इतना बिजी हो गया, तो लॉकडाउन है वो लोग अकेले घर पे ही रहते हैं तो दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, तो इसी के लिए प्यार से बात कर लो। एंड आपने कैसे सेलिब्रेट किया बताओ, मैंने तो कुल्फी बनाया था, माही भी बहुत खुश थी, महेंद्र भी बहुत खुश थे, पापा जो बन गए फादर्स डे हमारा तो ऐसे ही सेलिब्रेट हो गया है। एंड कल एक और वाला गुड न्यूज वाला दिन आ रहा है, गेस करो क्या गुड न्यूज हो सकता है कल के दिन में, वो कल के ब्लॉग में वो सेलिब्रेशन आपके साथ शेयर करूंगी। एंड आप लोगों का फादर्स डे क्या था क्या नहीं है ना आपके पापा के साथ, कोई भी मेमोरी हो कुछ भी हो मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट में लिख के। तो चलिए मिलती हूँ मैं मेरे अगले ब्लॉग में, कल मिलेंगे हम लोग, टेक केयर बाय। एंड आप सबके पापा को मेरे तरफ से हैप्पी फादर्स डे बोल देना, बाय गाइस लव यू टेक केयर।